हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम रील्स प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपके इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसे आसानी से फिक्स कर सकते हो। आज मैं आपको दो ऐसे तरीका बताऊंगा जिसके मदद से आप इसे आसानी से फिक्स कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवीर यादव, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको नीचे जाना है, ऐप्स पे, ऐप्स पे क्लिक कर देना है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मैनेज ऐप्स पे क्लिक करते हो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे लिखा आ रहा होगा स्टोरेज, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना हो। जैसे ही आप स्टोरेज पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। आपका सभी डाटा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करते हो तो आपका इंस्टाग्राम का सभी डाटा क्लियर हो जाएगा और आपका यह प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है इंस्टाग्राम। जैसे ही आप इंस्टाग्राम लिखते हो तो यहाँ पे आपको अप टू डेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अप टू डेट पे क्लिक करके आप इंस्टाग्राम को अप टू डेट कर ले, जिससे कि आपका यह प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी यह प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रहा है तो आपको इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देना है और फिर से आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, तब जाके आपका यह प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ये सभी स्टेपों को फॉलो करके आप अपने इंस्टाग्राम के इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।